सो हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं कुछ ऐसे रिजल्ट ओरिएंटेड डीएमसी, जिस डीएम का इस्तेमाल करके मैंने पिछले 2 सालों में बहुत सारे ऑर्गेनिक लीड्स मैंने जनरेट करे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू, और लोगों को मैंने अपने साथ ज्वाइन भी करवाया है। अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपके डीएम का रिप्लाई करें, लोग आपको सोशल मीडिया पर नंबर दे आपके डीएम को देखकर, तो इस वीडियो में आपको मैं जो भी डीएम्स बताने वाला हूं उस डीएम का आप इस्तेमाल कर लेना। लोग डेफिनेटली आपके डीएम्स का रिप्लाई करेंगे और लोग आपको नंबर भी देंगे, ठीक है। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है। सो आगे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, लीड जनरेशन प्लेलिस्ट का लिंक। उसके अंदर में आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है लीड जनरेशन के ऊपर, आपको सारी वीडियोस दिखेगी उस प्लेलिस्ट के अंदर में, ठीक है। तो आप एक बार सारी वीडियोस को गो थ्रू जरूर करना, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेंगी लीड जनरेशन के बारे में, ठीक है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो और अगर आप फ्यूचर में आने वाले मेरे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस का फायदा उठाना चाहते हो, तो अभी के अभी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डीएम दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं कि अभी मैं आगे आपको जो भी डीएम्स दिखाने वाला हूं, जो भी डीएम्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उस डीएम का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपका इंस्टाग्राम का प्रोफाइलिंग और फेसबुक का प्रोफाइलिंग हो चुका हो। बिना प्रोफाइलिंग के आपको डीएम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बिना प्रोफाइलिंग के अगर आप डीएम करोगे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो फेसबुक हो, आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लोगों का रिप्लाई नहीं आएगा, लोग आपको नंबर नहीं देंगे। चाहे आप 50 लोगों को डीएम कर लो, 100 लोगों को डीएम कर लो, चाहे 200 लोगों को डीएम कर लो, आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। इसीलिए आपको सबसे पहले, अगर अभी तक आपने अपना प्रोफाइलिंग नहीं करी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग नहीं किया है, अगर आपने अपना फेसबुक प्रोफाइलिंग नहीं करी है, तो सबसे पहली चीज तो आपको अपना प्रोफाइलिंग बनाने पर ध्यान देना है, ठीक है। 5-10 दिन पहले अपना प्रोफाइलिंग बनाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप डीएम करोगे तो लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अगर आप अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइलिंग करना चाहते हो या फिर अगर आप अपना फेसबुक का प्रोफाइलिंग करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो में मैं लिंक दे रहा हूँ फेसबुक की प्रोफाइलिंग कैसे करनी है और इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग कैसे करनी है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को जाके जरूर देख लेना पहले, ठीक है, ताकि आप अपना अच्छे से प्रोफाइलिंग कर सको, ठीक है। उसके बाद लोगों को जब आप डीएम करोगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं वो सारे डीएम्स, जिस डीएम का इस्तेमाल करके मैंने बहुत सारे ऑर्गेनिक लीड्स को जनरेट किया है, और अगर आप इस डीएम्स का इस्तेमाल करते हो तो आप भी बहुत सारे ऑर्गेनिक लीड्स को आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं आप लोगों को दिखाता हूं सबसे पहला डीएम, तो आपको यहां पे दिख रही होगी, यहां पे जो सबसे पहला डीएम है, यहां पे मैंने लिखा है, हाय आदित्य, आई नो वी डोंट नो ईच अदर बट वी रियलाइज दैट मोस्ट बॉयज एंड फीमेल वांट टू वर्क फ्रॉम दिस डेज। यहां पे समझने वाली बात ये है कि देखो, यहां पे बॉयज और फीमेल दोनों लिखा हुआ है। अगर आप किसी बॉयज को अगर आप डीएम करोगे, अगर आप ये वाला डीएम किसी बॉयज को करते हो, तो वहां पे सिर्फ आपको बॉयज ही टेक्स्ट करना है। अगर आप किसी फीमेल को अगर आप डीएम करने जा रहे हो, तो वहां पे आपको फीमेल करना है, बॉयज को आपको वहां पे एडिट कर देना है। आई होप आपको समझ आया होगा। और इस डीएम की जो सबसे यूनिक बात ये है ना, कि यहाँ पे जो हमने सबसे पहले जो लाइन लिखा हुआ है, आई नो वी डोंट नो ईच अदर, इससे क्या होगा कि सामने वाले को जब हम ये मैसेज करेंगे, जब हम ये डीएम करेंगे, तो सामने वाला समझ जाएगा, अच्छा ये हम एक दूसरे को नहीं जानते। नहीं तो क्या होता है, अगर हम ऐसे कोई नॉर्मल डीएम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सामने वाला ना हमसे पूछ बैठता है कि आप कौन हो, ठीक है। तो सामने वाला हमसे ये ना पूछे कि आप कौन हो, इसीलिए हमने ये टेक्स्ट किया है कि आई नो वी डोंट नो ईच अदर, इससे क्या होगा सामने वाला ये ऑब्जेक्शन नहीं करेगा कि आप कौन हो, ओके। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस डीएम से मैंने बहुत सारे लीड्स को जनरेट करे हैं, बगल में आपको दिख भी रहा होगा, मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया है कि यस मैंने इस डीएम से लीड्स को जनरेट करा है, ठीक है। तो आप इस डीएम का इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो। सो अब हम चलते हैं अपने दूसरे डीएम की तरफ, तो दूसरा डीएम आपको दिख रहा होगा, और इस डीएम की जो सबसे अच्छी बात यह है ना, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा हुआ है, डोंट बी जज फर्स्ट अंडरस्टैंड माई प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा कि सामने वाला ना जज नहीं करेगा, ठीक है, कि ये कहीं फ्रॉड काम तो नहीं है, दिस डेट नहीं। तो होता है क्या है कि अक्सर जब हम कोई डीएम करते हैं तो सामने वाला ना जज कर लेता है, यार ये पक्का फ्रॉड है ना, इसीलिए क्या करता है सामने वाला ना आपको रिस्पॉन्स नहीं करता है। लेकिन जब हमने ये टेक्स्ट किया हुआ है कि डोंट बी जज फर्स्ट अंडरस्टैंड माई प्रोजेक्ट, तो सामने वाला भी सोचता है यार चलो एक बार समझ के देख लेते हैं, समझ आया। तो सामने वाले के माइंड में ये चीज़ जाती है, इसके वजह से क्या होता है सामने वाला ना आपको नंबर देता है। आपको बगल में दिख रहा होगा कि एक प्रोस्पेक्ट ने मेरे को नंबर दिया है, ये तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। इस डीएम से भी मैंने बहुत सारे लीड्स को जनरेट करे हैं, ठीक है, तो आप भी इसका इस्तेमाल करो, आपको भी बहुत सारे लीड्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर डीएम पे, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तीसरा नंबर डीएम। इस डीएम की देखो सबसे पहली अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आई जस्ट सो योर प्रोफाइल, इट्स फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड इट सीम्स यू आर एम्बिशियस। ये एक ऐसा लाइन है ना, ये लाइन आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को भी आप डीएम कर रहे हो, ये एक मैसेज आप कॉमन रख सकते हो,
इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आप किसी को भी कर सकते हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी को भी डीएम करो, ये लाइन सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी यूनिक पॉइंट ये है इस डीएम की, कि इसमें मैंने एक चीज़ लिखा हुआ है, अगर आप नीचे पढ़ो, कि आई एम लुकिंग फॉर सम एम्बिशियस और सीरियस स्टूडेंट हु इज़ नॉट गेटिंग अ गवर्नमेंट अ प्राइवेट जॉब। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि देखो आज का जो यूथ है ना, दो चीज़ खोज रहा है, या तो उसको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या प्राइवेट जॉब मिल जाए, बट ज़्यादातर यूथ को ना ही गवर्नमेंट जॉब मिल रही है ना ही प्राइवेट जॉब मिल रही है। इसीलिए मैंने यहाँ पर यह टेक्स्ट किया हुआ है कि मैं कुछ ऐसे सीरियस और एम्बिशियस स्टूडेंट को खोज रहा हूँ जिसको ना तो अभी कोई गवर्नमेंट जॉब मिली है ना ही जिसको प्राइवेट जॉब मिली है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट किया हुआ है। जब मैं ये टेक्स्ट करता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। आपको बगल में एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, मैंने इसको किया था और इसने अपना नंबर दिया, मैंने इनको बिजनेस समझाया और आज ये मेरे बिजनेस में ऑलरेडी पार्ट बन चुका है, बिजनेस पार्टनर ये बन चुका है मेरे साथ, ठीक है। तो इस डीएम से भी मैंने बहुत अच्छे लीड्स को जनरेट करे हैं, ठीक है। आप भी इस्तेमाल करो, आपको भी बहुत अच्छा लीड्स आएंगे इस डीएम से, ठीक है। तो अब मैं आपको चौथा नंबर डीएम दिखाता हूँ, और इस चौथे नंबर डीएम की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आई एम लुकिंग फॉर सम पीपल हु नो हाउ टू ऑपरेट इंस्टाग्राम वेरी वेल। देखो अगर आप किसी को इंस्टाग्राम पे अगर आप ये डीएम करोगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है इंस्टाग्राम। और ये डीएम करने का फायदा ये होगा कि जब आप लोगों को ये मैसेज करोगे, जब आप ये डीएम करोगे, तो आज के टाइम पे भाई सबको इंस्टाग्राम यूज करना आता है, तो सामने वाले के माइंड में क्लिक जाएगा, अच्छा यार मेरे को भी इंस्टाग्राम अच्छे से चलाना आता है, ठीक है, तो ये काम तो पक्का मेरे लिए है। तो वो क्या करता है, नंबर दे देता है। अगर आप किसी को ये डीएम फेसबुक पे करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम की जगह आपको क्या करना है, फेसबुक, या फिर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही टेक्स्ट कर सकते हो। इसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज कर लेना, ठीक है। इस डीएम से भी बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा क्योंकि ये शॉर्ट भी है, ठीक है। और हमें जब भी डीएम करना है किसी को, तो शॉर्ट डीएम करना है, बहुत लंबा लंबा डीएम नहीं करना है। बहुत सारे लोग इतने लंबे लंबे डीएम करते हैं कि उनको कभी रिस्पांस नहीं आता। हमारा डीएम शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, ठीक है। आपको बगल में एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, करण नाम का पर्सन है, मैंने इसको ये सेम डीएम किया था, इन्होंने नंबर दिया, मैंने इनको बिजनेस समझाया और आज ये मेरे टीम का पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो इस डीएम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लोग अपना नंबर डेफिनेटली देंगे ही देंगे, ठीक है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ पांचवा नंबर डीएम, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये भी डीएम एक बहुत अच्छा डीएम है, इस डीएम से भी मैंने बहुत सारे लीड्स को मैंने जनरेट करे हैं, ठीक है। और इस डीएम को करने से रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज़्यादा इसीलिए रहता है क्योंकि आप पढ़ो ऊपर में क्या मैंने लिखा हुआ है, आई हैपन टू गो थ्रू योर प्रोफाइल, योर प्रोफाइल इज अमेजिंग, यू आर लुकिंग स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट। मतलब जब आप ये डीएम किसी को करोगे, तो जब सामने वाला ये मैसेज पढ़ेगा, तो सामने वाले को एक कॉम्प्लीमेंट मिलेगी। तो इससे क्या होगा, जब सामने वाले की आपने तारीफ कर दी, तो चांसेस ज़्यादा है कि वो रिस्पांस कर देता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो लाइन है ना, ये लाइन आप किसी को भी कर सकते हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी को भी आप ये मैसेज करोगे, ये बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल भी चेंज मत करना। कन्फ्यूज़ मत होना कि सर अगर कोई लड़का है तो हम उसे क्या कॉम्प्लीमेंट करें, अगर वो लड़की है तो क्या कॉम्प्लीमेंट करें। ये कॉमन लाइन है, ठीक है, आप ये किसी को भी कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। ये लाइन ही ऐसा है कि ये किसी में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस डीएम से भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस आ सकता है। आपको बगल में दिख रहा होगा कि स्क्रीनशॉट, ठीक है, इस लड़के को मैंने डीएम किया था और आज ये मेरे टीम में ऑलरेडी 2CC कर चुका है, मेरे टीम का ये पार्ट है, ठीक है। तो आप इस डीएम को करो, आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएंगे, लोग आपको नंबर भी देंगे। तो अब हम चलते हैं लास्ट डीएम की तरफ। तो ये हमारा लास्ट डीएम है, और ये जो आपको डीएम दिख रहा ना, ये डीएम बेसिकली ये फेसबुक पे बहुत ज़्यादा काम करता है। यहाँ पे आपको दो स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा जो कि ये फेसबुक का है, मैंने लोगों को फेसबुक पे ये डीएम किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों ने नंबर दिया हुआ है, राइट। तो ये डीएम को आपको फेसबुक पे इस्तेमाल करना है, आप इसको अगर आप इंस्टाग्राम पे इस्तेमाल करोगे तो आपको रिजल्ट जो है ना के बराबर मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो डीएम है, छठा नंबर जो आपको डीएम देख रहे हो, इस डीएम को आप या तो फेसबुक पे करना या तो फिर आप व्हाट्सअप पे करना, ठीक है, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। इंस्टाग्राम पे आप ये डीएम मत करना, आपको रिजल्ट नहीं आएगा, फेसबुक पे ज़्यादा रिजल्ट आता है मोस्टली, ठीक है। सो तो अभी मैंने आपको लगभग 6 डीएम्स बताए हैं, और ये वही डीएम्स है जिस डीएम का इस्तेमाल करके मैंने बहुत सारे लीड्स को जनरेट करे हैं। तो अभी इस 6 डीएम्स में से किसी भी डीएम्स का आप इस्तेमाल कर लो, आपको रिस्पांस तो आएगा, लोग आपको नंबर डेफिनेटली देंगे। बट उससे पहले जो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आपको अपनी प्रोफाइलिंग पे पहले ध्यान देना है, पहले आपको अपनी प्रोफाइलिंग बनानी है। तो सबसे पहले आप अपना प्रोफाइलिंग अच्छा करो, पहले अपना प्रोफाइल अच्छा बनाओ, उसके बाद आप लोगों को डीएम करो, आपको बहुत सारे लोगों का रिस्पांस आएगा और लोग आपको अपना नंबर भी देंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि आपको मेरे बताए हुए तरीकों से रिजल्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई डाउट या क्वेश्चन है जो आप मेरे से पर्सनली पूछना चाहते हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, डेफिनेटली मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूंगा।
देरी सही लेकिन करूंगा जरूर, आप मुझे मैसेज जरूर कर सकते हो, ठीक है। सो आपने ये तो सीख लिया कि बेस्ट डीएम क्या हो सकता है लोगों का रिस्पॉन्स आने के लिए। बट डीएम करने से पहले 4 से 5 चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप डीएम से पहले अगर आप ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट काम नहीं करोगे ना, तो भी आपको लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। क्योंकि रिस्पॉन्स अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो आपको ये 5 चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 5 चीज़ें जानना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को अभी जाके देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉर एवर सक्सेस।